सेंटेंस सीखने जा रहे हैं हिंदी में। आज हम अंक सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अंक। तो इससे पहले भी हमने अंक सीखे है ना। चलो बोलो, मेरे पीछे पीछे बोलो, अंक। पहला कौन सा अंक आता है? अंक एक। अंक एक, तो बच्चो ए है अंक एक। बोलो अंक एक। और अंक एक के बाद कौन सा अंक आता है? अंक दो। अंक दो, और अंक दो के बाद आता है अंक तीन। अंक तीन, और अंक तीन के बाद आता है अंक चार। यह अंक चार, और अंक चार के बाद आता है अंक पांच। बोलो अंक पांच। अंक पांच, और अंक पांच के बाद आता है अंक छः। अंक छः, और अंक छः के बाद आता है अंक सात। बोलो अंक सात। तो बच्चों आज हम ये अंक सात सीखने जा रहे हैं। हमने अंक एक से अंक चार तक सीखे हैं, तो आज हम ये अंक सात, ये जो नया अंक है वो सीखने जा रहे हैं। तो आज हम कैसे लिखते हैं टू लाइन्स के नोटबुक में वो देखेंगे। देखो हम अंक टू लाइन्स के नोटबुक में लिखते हैं। देखो मैंने इधर टू ब्लू लाइन्स ड्रॉ किए हैं, किए है ना। हमें अपने हिंदी के नोटबुक में इन टू लाइन्स के बीच में ही अंक लिखने हैं। ऊपर भी नहीं चला है लाइन्स से और नीचे भी नहीं आया। तो पहले क्या करेंगे हम? देखो एक को हाफ को ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद अंदर एक सर्कल बनाएंगे। देखो इसे समझ में आया, जैसे आधा चांद होता है ऐसे तो, और अंदर एक गोल। ये हो गया अंक सात। बोलो अंक सात। अंक सात, ओके। चलो अब हम उंगली में उंगली पर अंक सात कर लेंगे। चलो बोलो अंक एक, अंक दो, अंक तीन, अंक चार, अंक पांच, अंक छ, और अंक छ के बाद आता है अंक सात। तो बच्चों इधर मैंने कुछ पत्ते ड्रॉ किए मेरे को बॉक्स में। चलो मेरे पीछे पीछे गिनो, एक दो तीन चार पांच छ सात। कितने पत्ते? सात। देखो मेरे पास कुछ आइसक्रीम स्टिक्स भी है। चलो गिनो, एक दो तीन चार पांच छः और सात। कितने हैं आइसक्रीम स्टिक्स? पूरे सात है। समझ में आया? अब अंक एक से अंक सात तक कैसे लिखते हैं, अब सीक्वेंस में कैसे लिखना है, देखो मैं इधर आपको लिखकर दिखाऊंगी। पहला क्वेश्चन आता है अंक एक। अंक एक के बाद आता है अंक दो। अंक दो के बाद अंक तीन। अंक तीन के बाद अंक चार, अंक पांच, अंक छ, और अंक छ के बाद आता है अंक सात। और एक बार मेरे पीछे पीछे बोलो, अंक एक, अंक दो, अंक तीन, अंक चार, अंक पांच, अंक छ, अंक सात। तो बच्चों आज आपको अपने ट्वेल्थ के नोटबुक में अंक सात ऐसे बोल के एक पूरा पेज लिखना है। उसके बाद दूसरे पेज में अंक एक से अंक सात तक